तो अयोध्या में 6 मई को मतदान होगा। इस बीच जी न्यूज की टीम अयोध्या में सरयू तट पर पहुंची और अयोध्या की आम जनता और साधु संतों से बातचीत की। यहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं ने रोजगार और शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। हम इस वक्त भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है और अयोध्या में सरयू तट पर सीधे हम साधु संतों के साथ चौपाल लगा रहे हैं। आखिरकार लोकसभा चुनाव 2019 में साधु संतों की राय क्या है और अयोध्या के साधु संत राजनीतिक दलों से क्या चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में सीधे बातचीत करते हैं। आप देखिए, शाम का वक्त है, सरयू का तट है, आरती का भी वक्त हो चुका है और भारी संख्या में साधु संत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मान शशिकांत दास। शशिकांत जी, आपके हिसाब से 2019 में चुनावी मुद्दे क्या है अयोध्या के? अयोध्या का विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अयोध्या आप देख रहे हैं नित्य नवीन अवसर पर जा रही है, बढ़िया सुंदर निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। गठबंधन ने जातीय समीकरण के आधार पर अपना एक कैंडिडेट यहां पर उतारा है, बीजेपी के भी उम्मीदवार आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, कैसी लड़ाई देख रहे हैं अयोध्या की? लड़ाई सब मोदी जी से है, मोदी जी ही जीत रहे हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। अयोध्या राममय है और राममय करने का श्रेय योगी जी और मोदी जी को जाता है, इसलिए यहाँ सब कुछ मोदी जी का ही है, वही जीते। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है अयोध्या में इस चुनाव में? राम मंदिर तो बनना ही है, वो मुद्दा क्या है, वो तो मुख्य है भाजपा के लिए। भाजपा के लिए राम मंदिर मुख्य है, बाकी तो विकास हो ही रहा। आप हर गली में जाकर देख लीजिए, सीवर लाइन कहीं, अंडरग्राउंड लाइन कहीं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, मतलब अच्छी अच्छी योजनाएं लागू, आप स्वयं देख लीजिए जाकर के। क्या कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मंदिर हमारा धर्म है और उस धर्म पर हमारी सरकार जोर से लगी हुई है और वो पूरा होगा, निश्चित ही राम मंदिर बनेगा। अभी थोड़े ही समय तो सरकार को हुआ है और ये महागठबंधन ये सब इकट्ठा होकर के केवल हमारे देश को उखाड़ने में लगे हैं, हमारे मोदी जी को उखाड़ने में लगे हैं और किसी से कोई लड़ाई, सीधे मोदी जी से लड़ाई सबकी है और राम मंदिर तो बनेगा ही। अयोध्या के स्थानीय मुद्दे क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ यहाँ का अच्छा चल रहा है, सब कुछ अपना अपने से लोग बना रहे हैं कि अयोध्या में कुछ नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, पर यहाँ जब से भाजपा की सरकार केंद्र में भी आई और राज्य में भी आई तब से सुंदर विकास चल रहा है। क्या विकास हुआ है या सिर्फ दावे किए जा रहे हैं? नहीं, विकास हुआ है और मेरा तो मोदी जी से ये मानना है कि मंदिर, राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और हमेशा बीजेपी की सरकार बनी रहे। इसके अलावा रोजगार या और ये सब मुद्दे कितने बड़े हैं अयोध्या में? अच्छे रोजगार चल रहे हैं और सभी रोजगार पर्याप्त बेरोजगारों को मिल रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर धनंजय त्रिपाठी नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ और सर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अयोध्या में राम सर्किट हाउस का काम चल रहा है और बीजेपी के आने से हमारे देश में, चूंकि हमारे यूपी में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही भाजपा की सरकार रहे और हमारे देश में और हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा तरक्की। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, क्या चाहते हैं अभी, युवा क्या चाह रहा है इस बार अयोध्या? युवा जो चाहता है वो चाहता है कि फैजाबाद और जो अयोध्या हो गया इसमें रोजगार में बढ़ावा किया जाए, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो बाहर जाता है रोजगार के लिए, अगर से यहाँ रोजगार मिल जाए तो सरकार के साथ पूरी तरीके से सहमत है। अयोध्या में रोजगार नहीं है? हाँ, अयोध्या में रोजगार है लेकिन थोड़ी सी कमी है, उसमें सुधार होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए भी अच्छे अच्छे शिक्षा संस्थान अगर खुल जाए तो युवाओं को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल। युवा क्या चाहता है, राम मंदिर विकास या स्थानीय मुद्दे क्या है युवाओं के? युवाओं चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, जैसे कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि नोटबंदी को लेकर के या फिर जो GST लगा था उस समय लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो गए, तो इनकी सरकार जिसकी भी सरकार बनी उसकी प्राथमिकता यही रहेगी कि रोजगार, नौजवानों के लिए रोजगार लाए। इनके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर सुधरनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। क्या करते हैं आप, क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद तिवारी मेरा नाम है। क्या करते हैं? एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, दिन मजदूर चिकित्सा। अच्छा, आप एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके हिसाब से इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे अहम है और अयोध्या कितना बदला पिछले 5 साल में या कितना नहीं बदला, कैसी है अयोध्या की कहानी? फिलहाल अयोध्या का कोई बदलाव नहीं हुआ है, अयोध्या की जनता ही चाहती है कि राम के मंदिर का निर्माण हो और राम के मंदिर के निर्माण दो सीट से जो है पूर्ण बहुमत में आने वाली सरकार, मेयर से लेकर के राष्ट्रपति तक भाजपा की सरकार, 17 राज्यों में भाजपा की सरकारें और मंदिर का अपमान हो रहा है और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए
और रोजगार की मेन समस्या यहाँ पे है। देखिए रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ अयोध्या में और राम मंदिर एक सबसे बड़ा मुद्दा। कुछ और साधु संत यहाँ पर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देश बचाओ। क्या चीज? खिलाओ देश बचाओ। अच्छा क्यों आपको लगता है आपके सरकार ने अब तक राम मंदिर क्यों नहीं बनाया अयोध्या में? राम जन्मभूमि बनेगा, अभी सरकार बन जाए बनेगा कमल। क्या मुद्दे हैं, क्या नाम है आपका? जी प्रभाकर पांडे। प्रभाकर जी चुनावी मुद्दे क्या है यहाँ पर? देखिए चुनावी मुद्दे यही है कि राम मंदिर बनना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णोच्छेद प्रयास किया है राम मंदिर बनाने का, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। और उन्होंने पूर्ण भरोसा भी दिलाया है कि राम मंदिर जरूर बनेगा और भव्य राम मंदिर बनेगा। चलिए इनके हिसाब से राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। एक बार इधर आते कुछ चाय, क्या चाय बेच रहे हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? चाय वालों के लिए अयोध्या में चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? बस वो मंदिर बन जाए, तो यही मुद्दा है उन लोगों का कि मंदिर बन जाए, भगवान की दुआ से और क्या, जो नाचे बन जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू तो आप लोग के हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा वोट मत करिए कि आपका बेटा चाय वाला है पकौड़ा वाला बन जाए। देखिए साहब तो किस्मत में लिखा हुआ, सही बात है। देखिए यार चाय वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है इनके लिए और कोई मुद्दा नहीं। आप लोग अयोध्या से? अच्छा आप लोग अयोध्या से हैं, तो आप साफ तौर पे देखिए कि क्या अयोध्या के चुनावी मुद्दे हैं, साधु संत क्या कह रहे हैं, युवा अयोध्या का क्या कह रहा है। दो चीजें सबसे प्रमुख है, एक तो अयोध्या में रोजगार होना चाहिए, इसके अलावा अगर अयोध्या के आप विकास की बात देखेंगे तो अयोध्या विकास के मामले में पिछले कई सालों से लगातार पिछड़ा रहा है। क्या राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के विकास की तस्वीर भी बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया अयोध्या।